हेलो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ पार्शियल डिसेबलमेंट एंड दी टोटल डिसेबलमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसेबलमेंट का अर्थ क्या होता है। देखो, जो एक्ट है वो डिसेबलमेंट को डिफाइन नहीं करता, ये सिर्फ पार्शियल एंड टोटल डिसेबलमेंट को डिफाइन करता है। तो वहीं पर हम डिसेबलमेंट का जो अर्थ है ये लगाते हैं कि लॉस ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी बाई एन इंजरी। अब देखो, ये कितना लॉस ऑफ अर्निंग होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंजरी के ऊपर, और डिपेंड करता है कि कितने प्रतिशत हमारी अर्निंग कैपेसिटी का लॉस हुआ है। उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये पार्शियल डिसेबलमेंट है कि टोटल डिसेबलमेंट है। देखो, जो डिसेबलमेंट होती है उसका दो तरह की होती है, एक पार्शियल होती है, एक टोटल डिसेबलमेंट होती है। और पार्शियल के अंदर भी जो सेक्शन 2 सबसेक्शन IG डील करता है, ये टेम्प्रेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। और देखो, यहाँ पे जो पार्शियल डिसेबलमेंट होती है, तो यहाँ पे जो टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट होती है ये टेम्प्रेरी नेचर की होती है, फ्यू डेज़ की होती है। और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के अंदर क्या होता है कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो है पहले से रिड्यूस हो जाती है। देखो, पार्शियल डिसेबिलिटी का अर्थ होता है किसी भी तरह की डिसेबिलिटी जिसके अंदर जो वर्कर है वो फुल फिज़िकल कैपेसिटी के ऊपर काम नहीं कर पाता, तो उसको हम परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कह देते हैं। ये जॉब इंजरी की वजह से होती है या बीमारी की वजह से होती है, और इसका टेस्ट बेसिकली जो है इसका जो है इस जो परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी है कि उसके अंदर हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो पहले से कम हो गई है, क्योंकि अब हम फिज़िकली फिट नहीं है। जब हमारी इंजरी हुई तो जितने ही स्पीड के साथ कैपेसिटी के साथ हम काम परफॉर्म कर सकते थे, अब फ्यूचर के अंदर उतना हम काम नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है। और उसी तरह देखो, यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो तभी अवेलेबल होती है अगर यहाँ पे जो हमारी डिसेबिलिटी है अगर वो 3 डेज से ज़्यादा है। और देखो, यहाँ पे क्या है कि अगर जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस, इफ़ द इंजरी कॉज बाय एन एक्सीडेंट रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी इन एवरी एम्प्लॉयमेंट विच ही वॉज कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एट दैट टाइम, इट इज़ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। एनी इंजरी स्पेसिफाइड इन द पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 शेल बी डीम्ड टू रिजल्ट इन द परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। देखो, यहाँ पे जो बेसिकली क्या है कि जो टेम्प्रेरी पार्शियल डिसेबलमेंट है उसके अंदर क्या है कि जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो है रिड्यूस हो जाती है बट बाकी जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे नहीं होती, तो वो जो है बेसिकली टेम्प्रेरी पार्शियल डिसेबलमेंट होती है। बट अगर कोई इंजरी जो है कॉज होती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो काम कर रहे थे उसके अंदर तो हमारी नेचुरली कैपेबिलिटी इफ़ेक्ट हुई है, और भी कोई उसके अलावा अगर कोई हम जॉब परफॉर्म करें तो वहाँ पे भी क्या है कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो है रिड्यूस हो जाएगी, तो ये परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है। और यहाँ पे परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी जो है नेचुरली या तो वर्क रिलेटेड इंजरी होती है या कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि नेचुरली यहाँ पे कुछ इस तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है कि जिसके बेसिस पे क्या है कि जो वर्कर है वो पूरी तरह से अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है काम नहीं कर सकता। जैसे मान लो किसी की एक फिंगर चली जाती है या 2 फिंगर चली जाती है या लॉस ऑफ लेग, लॉस ऑफ 1 आई, तो इंजरी जो है नेचुरली जो बेनिफिट ऑफ टेबल है उसके मुताबिक उसको कॉम्पनसेट दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि टोटल डिसेबलमेंट जो है, देखो यहाँ पे भी जो टोटल डिसेबलमेंट है ये टेम्प्रेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। और देखो, यहाँ पे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का होता है इसके अंदर जो कंडीशन है कि इंडिविजुअल जो है इंजरीज लग जाती हैं जिसकी वजह से क्या है कि वो अब काम नहीं कर सकता। टोटल डिसेबलमेंट का अर्थ होता है कि देखो, यहाँ पे जो एम्प्लॉई है चाहे वो टेम्प्रेरी है चाहे बेसिकली जो टोटल डिसेबलमेंट होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो डिसेबलमेंट है उसके बेसिस पे जो एम्प्लॉई है वो इनकैपेसिटेट हो जाता है और नेचुरली वो कोई भी काम जो है नहीं कर सकता। परमानेंट डिसेबलमेंट जो होती है जो पार्ट 1 शेड्यूल के अंदर जो इंजरी स्पेसिफाइड होती है, और टोटल डिसेबलमेंट जो होती है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द इंजरी विच इज़ स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल एंड ऑल्सो वेयर द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द लॉस ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी एज स्पेसिफाइड इन द सेट पार्ट 2 अगेंस्ट दिस इंजरी जो है अगर 100% या मोर है तो हम कहते हैं कि ये परमानेंट जो है डिसेबलमेंट है।
क्योंकि यहाँ पे क्या परमानेंट डिसेबलमेंट के अंदर क्या होता है कि वो व्यक्ति किसी और जॉब के भी जो है फिट नहीं रहता। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट डिसेबिलिटी एंड पार्शल डिसेबिलिटी। देखो यहाँ पे क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है कम्प्लीटली डिसेबल हो जाता है, वो कोई काम नहीं कर सकता। पार्शल डिसेबलमेंट के अंदर क्या होता है कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी पहले से कम हो जाती है। अब देखो जिस कैपेसिटी के अंदर उसको ट्रेन किया गया था उस कैपेसिटी के अंदर वो काम नहीं कर सकता। और यहाँ पे क्या होता है कि वो अनफिट फॉर पर्टिकुलर क्लास या जॉब के लिए है, बट दूसरी क्लास के लिए वो बेसिकली जो है फिट है। तो हम इसको कहते हैं कि पार्शल डिसेबलमेंट है। देखो जैसे कोई कारपेंटर है, अगर वो काम कर रहा होता है एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसको इंजरीज लगती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी बाजू कट हो जाती है, तो ये जो इंजरी की नेचर है ये उसकी परमानेंट डिसेबलमेंट है, क्योंकि वो जो है कोई भी काम जो है नहीं कर सकता।